अयोध्या जमीन विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट कभी भी सुना सकता है। उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। फैसले को देखते हुए कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अयोध्या सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है और प्रशासन ने अयोध्या विवाद से जुड़ा कोई भी मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर करने पर रोक लगा दी। अयोध्या जमीन विवाद में फैसला कभी भी आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के मध्य तक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। फैसले से पहले यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और इसी को देखते हुए अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर रोक लगा दी है। कोई भी अयोध्या विवाद, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद से जुड़ा मैसेज ना तो सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएगा और ना ही कोई पोस्टर लगाया जाएगा। डीएम का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 28 दिसंबर तक ये रोक लगाई गई है। 31 तारीख का यानी कि 31 अक्टूबर का एक जो है धारा 144 का हमने ऑर्डर जारी किया है, जिसके क्लॉज 10 में हमने बहुत क्लियरली कहा है और उसको मैं यहाँ पर कोट भी कर देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन, वॉल पेंटिंग नहीं करें और नहीं कराएगा। कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, लाइक, शेयर नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द व सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसमें हमने बहुत क्लियर कट ये कहा है कि कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं करना है जैसे कि गलत सूचना दे करके कुछ किसी को इंसल्ट किया जाए या कोई भावना जो है भड़काया जाए, इंसाइट किया जाए, इससे बचना है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड ने सभी नए कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। बोर्ड के अधीन सभी मस्जिदों, दरगाहों से अनुरोध किया गया है कि राम जन्मभूमि से संबंधित कोई भी संदेश नहीं दिया जाए, न ही किसी भी कारण कोई भीड़ जमा करें। अयोध्या राम मंदिर के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाले फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में शरारती तत्वों द्वारा साजिश करके कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके, इस उद्देश्य से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने सभी वक्फ मस्जिदों, इमामबाड़ों, दरगाहों, करबलाओं, मजारों और कब्रिस्तानों में पूर्व से होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर राम मंदिर प्रकरण से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी आयोजन, भाषण, धरने, प्रदर्शन व किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठा की जा सके या लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किसी संदेश देने के लिए किया जाता हो, सभी पर रोक लगा दी है। उन मुतावलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बोर्ड के निर्देशों को नहीं मानेंगे या उसकी अनदेखा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले या फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से ऐसे निर्देश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हिंदू समाज की तरफ से कोई अशांति नहीं होगी। कोई भी निर्णय आए, शांति रहनी चाहिए, अशांति होने का कोई कारण नहीं। और अयोध्या को भी सरकार की जिम्मेदारी है वो शांति बनाकर रखे, इस प्रकार की कोई कार्रवाई न कर दे जिसके कारण से वहाँ तनाव पैदा हो जाए। तो शांति वहाँ है, शांति वहाँ रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ कहीं कोई अशांति होने वाली नहीं हिंदू समाज की ओर से। फैसले को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। देवीपाटन मंडल के डीआईजी राकेश सिंह का कहना है कि किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। सोशल मीडिया में कई बार लोग अफवाह फैला देते हैं और उसे जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके लिए हमारी निगरानी सेल बनी हुई है, सभी जनपद में निगरानी सेल बनी हुई है और राज्य स्तर पर बनी हुई है। अगर कोई आदमी इसमें कोई इस तरह की बात करता है या कोई बात फैलाता है तो उसके विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई की बात कही गई है, उसके खिलाफ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तक ही कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि ये किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई अपने इस इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का सहारा लेकर के लोगों के अवमानता फैलाए और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करें। इस पर कठोर और सतर्क दृष्टि की जा रही है। लोगों से अपील भी की गई है अगर किसी को संज्ञान में ऐसा कुछ आता है तो तत्काल अपने जनपद के अधिकारियों से उसको बताएं। अयोध्या विवाद के फैसले के बाद सामाजिक सौहार्द बना रहे और कहीं गड़बड़ी ना हो पाए, इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है।
और वहीं अयोध्या में धारा 144 लागू है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।